Let use बोलते होंगे बहुत जल्दबाजी में हम इसको लेट्यूज बोल देते हैं बट फ्रेंड्स इट इज नॉट लेट इट इज लेट अस लेट अस लेट्यूज लेटूस बिल्कुल गलत गलत है तो आपको फोकस करना है इस वर्ड के ऊपर अभी कि इसको हम लेट अस बोलेंगे लेट यूज बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे गॉट इट माई फ्रेंड्स लेट एस मूव टू द सेकेंड वर्ड दैट इज अनियन अनियन मैं जानती हूँ अनियन एक ऐसा वेजिटेबल uh, है जो बहुत सारे लोगों को पसंद है और बहुत सारे लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे नहीं पता कि आपको अनियन पसंद है कि नहीं मेरे से बेटर आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है अनियन आप क्या बोलते हैं ऑनियन ऑनियन दोस्तों बिल्कुल गलत है इट इज कंप्लीटली रॉन्ग तो हमारा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है अनियन अ आप क्या बोलते हैं कोकाम्बर 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 इज वेरी healthy फॉर योर डाइट आपको अपने डाइट में जरूर ऐड करना चाहिए क्यूकाम्बर अनियन ये बहुत ही हेल्दी वेजिटेबल्स हैं सैलेड हैं. जो आपके अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए बट डोंट फॉरगेट हमें इसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपरली करेक्ट करना है हमें इसको गलत नहीं बोलना है कुकम्बर नहीं बोलेंगे हम इसे हम क्या बोलेंगे क्यू कम बर क्यू कम बर प्लीज फोकस ऑन दिस वर्ड इट इज नॉट क्यू कम इट इज नॉट कुकाम्बर इट इज क्यू कम्बर लेट जूव टू द फोर्थ वर्ड देश के लिए जाते हैं घूमने जाते हैं, तो हैं night, तो प्रोनाउंसिएशन इसका क्या है होटेल आप लोग क्या बोलते हैं होटेल होटल बोलते होंगे आई एम श्योर आप लोग होटल बोलते होंगे बट इट इज रॉन्ग दोस्तों इट इज नॉट होटल इट इज होटेल हो

कैपैसिटी बोलते होंगे बट डियर फ्रेंड्स डियर गाइज इट इज नॉट कपैसिटी इट इज कैपेसिटी कैपेसिटी कै फेसिटी कैपेसिटी प्लीज फोकस कैपेसिटी इट इज नॉट एट ऑल कपैसिटी इट इज कैपेसिटी प्लीज अपने प्रोनाउंसिएशन टाइम अपने फ्लुएंसी के ऊपर बहुत फोकस करिए ताकि आपके वर्ड्स आपके प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छे से आप इनको प्रोनाउंस कर सके ये मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है इट इज वेरी ईजी बस आपको थोड़ा थोड़ा लर्न करना है थोड़ा थोड़े अपने प्रोनाउंसिएशन अपने बोलने के स्टाइल को चेंज करना है ऑटोमेटिकली आपके प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाएगा तो चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट वर्ड के ऊपर फोकस करते हैं बहुत ही कॉमन वर्ड है रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट आप लोग क्या बोलते हैं रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट जाएंगे डिनर करने आज तो स्पेशल डिनर करने जाएंगे बट फ्रेंड्स यू विल नॉट गो टू द रेस्टोरेंट आप कहा जाएंगे रेस्टोर सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फॉर दिस वर्ड इज रेस्टोर रेस्ट्रॉन रेस्टोर प्लीज फोकस रेस्टोर में हम जाएंगे रेस्टोरेंट में नहीं जाएंगे रेस्टोरेंट में जाएंगे डिनर करने आई गो टू द रेस्टोरेंट फॉर माइ डिनर क्लियर एवरी वन लेट एस सी एंड प्रोसीड द नेक्स्ट वर्ड ये आमंड तो बहुत ही कॉमन ड्राई फ्रूट है हेल्थी ड्राई फ्रूट है जो आप रोज खाते होंगे शायद से मुझे नहीं मालूम बट मैं जरूर खाती हूं तो इसका क्या प्रोनाउंसिएशन है आमंड एलमंड नहीं है आपको क्या करना है इस वर्ड में सिर्फ जो ल का साउंड है ल शब्द का प्रोनाउंसिएशन है उसको हम बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे ल साउंड इज साइलेंट इन दिस सो हमारे पास पीछे क्या बचा आमंड आमंड करेक्ट प्रोनाउंसिएशन फ्रेंड्स प्लीज लर्न इट कीप इट इन योर माइंड आज के बाद आप कभी भी नहीं बोलेंगे एलमंड खाऊंगा यू विल से खाऊंगा नॉट एलमंड ल का साउंड माइनस साइलेंट है वो तो हम इसको बोलेंगे सो लेट प्रोसीड विद द नेक्स्ट वर्ड ये शब्द बहुत ही कॉमन है बहुत ही ईजी है रेगुलरली हम यूज करते हैं सो so, इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है कूपन कूपन और आप क्या बोलते हैं कूपन आई एम श्योर आप कूपन बोलते होंगे बट गाइज इट इज नॉट कूपन इट इज कूपन कू आपको डबल ओ का साउंड को लाउडली बोलना है कुपॉन 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 इट इज नॉट कूपन इट इज नॉट कूपन इट इज कूपन लेट इज प्रोसीड आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट वर्ड के बारे में बात करते हैं टोमेटो क्या आप टोमेटो खाते हो सैलेड में दोस्तों मैं तो टोमेटो नहीं खाती मैं तो टोमेटो खाती हूं आपका पता नहीं आप टोमेटो खाते हो शायद बट गाइज मैं आपको ये याद करा देती हूं ये टोमेटो नहीं है ये क्या है प्लीज फोकस इट इज नॉट टोमेटो टमेटो सो लेट अस सी द प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिए सुनिएटो प्लीज आप आगे से टोमेटो नहीं खाओगे टोमेटो खाओगे प्लीज फोकस लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वर्ड एंड द लास्ट वर्ड फॉर द सेशन क्या है एमेजन एमेजन आप बहुत शॉपिंग करते होंगे एमेजोन पे जाके बट आप एमेजॉन पे शॉपिंग करते हैं गाइज ये अमेजॉन नहीं है एमेजन है प्लीज एमेजन से शॉपिंग करिए एमेजॉन से नहीं तो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है एमेजन एमहेजन नॉट एमेजन एमेजन सो दोस्तों आई होप आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन आज मैंने थोड़ा सा हल करने की कोशिश करी है और आपको मेरा आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा थैंक यू सो मच